बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं फैसल अमान ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको लीड जनरेशन में जो एक्सटेंशन यूज़ होती हैं उनके बारे में गाइड करूंगा और इनका क्या काम होता है वो भी आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं जहां आपको कंप्लीट गाइड करता हूं। फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपने अपना ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने वेब स्टोर अपना जो गूगल का है, ठीक है, वो आपने ओपन कर लेना, ठीक, क्रोम वेब स्टोर। उसके बाद आपने यहाँ सबसे पहले जो एक्सटेंशन है उसका नाम लिखना है, उसका नाम है कॉपी आर यू आर एल, ठीक है। उसके बाद आपने जो फर्स्ट पे है एक्सटेंशन, ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब जितने भी आपके न्यू टैब ओपन होते हैं और जितने भी उनमें लिंक होते हैं तो ये इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप वो लिंक्स कॉपी कर लेते हैं सबको, ठीक है। और शीट्स में आप जब पेस्ट करेंगे जो, तो जब आप काम बंद करना चाहते हैं या आप काम कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं या नेक्स्ट डे पर लेकर जाना चाहते हैं तो इस एक्सटेंशन की हेल्प से जितना भी आपका जो पेंडिंग काम है वो आप मतलब गूगल शीट में रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब आप ओपन करेंगे वर्क तो आपको जहाँ शीट पे आपने लिंक्स रखे होते हैं तो उन लिंक्स की हेल्प से वो फिर दोबारा कंटिन्यू उसी जगह पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो आपने जब लीड जनरेशन का काम स्टार्ट करना है तो आपने इसको भी कॉपी मतलब अपने क्रोम में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटेंशन हमने ऐड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है जो एक्सटेंशन है वो आती है कैंडो, ठीक है। ये कैंडो आपने लिख कर आपने सर्च कर देना है। तो कैंडो लिंक्डइन ईमेल फाइंडर जो आपको फर्स्ट जगह पे आपको नज़र आ रही है ये आपने कर लेनी है इंस्टॉल, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है अगर क्लाइंट आपको जो लिंक्डइन की लीड्स आपको कहे कि आपने करनी है फाइंड, तो कैंडो लिंक्डइन ईमेल फाइंडर है जो कि पर्सनल ईमेल लिंक्डइन की ईमेल फाइंड करके आपको देता है, ठीक है। तो ये भी फ्री है कुछ दिन के लिए, तो आपने ये भी मतलब क्रोम में ऐड कर लेना है, ये भी फ्री एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटेंशन है ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सटेंशन है जी इन्फिनिटी है। ये एक एक्सटेंशन है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब किसी अपने गूगल क्रोम में कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का डाटा फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है जी, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल ये मैंने, ये आपने जितनी भी एक्सटेंशन है ये आपने पिन कर लेनी है, ठीक है। ये पिन हो गई है, सामने आ गई है, तो आप न्यू टैब में जब मैं कोई फाइंड करता हूँ डॉक्टर क्लिनिक, ये मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब इस क्रोम एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है जी इन्फिनिटी का, आप नीचे चलते जाएंगे, ये देखें ये नीचे होती जाएगी, मतलब ये स्टॉप नहीं होगी। जो नीचे आता है ना 1 2 3 4 5 6 पेज ओपन हो गया, 2 पेज ओपन हो गया, 3 पेज ओपन हो गया, ये मतलब क्लिक करना, आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप जब इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो आप नीचे चलते जाएंगे, जितने भी रिजल्ट हैं वो नीचे तक शो होते जाएंगे, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगे, आपके जितने भी रिजल्ट होंगे शो होते जाएंगे। तो इससे ये होगा तो आपके पास कोई भी एक्सटेंशन होगी तो अब वो वर्क बहुत अच्छा करेगी, मतलब आपके इस पेज पे जितने भी लिंक होंगे वो उसी वक्त आपको फाइंड करके देगी। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है, मतलब आपको बार बार पेज नेक्स्ट 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 नहीं करने पड़ेंगे।
तो जी इन्फिनिटी का ये फ़ायदा है, इसको भी आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपने देख सकते हैं, यही बिल्कुल आपने सेम यही आपने ऐड करनी है जी इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आती है वो है ईमेल फाइंडर, ठीक है। ईमेल फाइंडर, ठीक है, ये हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल फाइंडर है, जो ईमेल फाइंड करके आपको देती हैं वेरीफाइड। तो हंटर ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन, ईमेल फाइंडर बाय सिनोवा डॉट आईओ, ईमेल फाइंडर फाइंडर लीड लेपर, ये तीनों बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, ये बहुत मतलब एक्यूरेट डाटा फाइंड करके देती हैं। लेकिन हम इनको इंस्टॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने इनको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ दिन के लिए ये फ्री, मतलब आपको कुछ दिन के लिए एक टाइम होगा आपके, वो आपको बता देंगे इस टाइम तक आप फ्री आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको उसके बाद आपको ये टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्री, मतलब आप फ्री इस्तेमाल कर लेंगे और डाटा जो भी देगी ये बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक VPN भी होना चाहिए, मतलब VPN इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आपको क्लाइंट ये कहेगा कि आप इस कंट्री की लोकेशन हमें, मतलब इस कंट्री की लोकेशन आपने शो करनी है और उस इस कंट्री की लोकेशन शो करके आपने ईमेल फाइंड करनी है या कोई डाटा फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास VPN होना चाहिए। तो आप कोई भी अच्छा सा VPN इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको ZenMate का मशवरा दूंगा, ZenMate आपने कर लेनी है इंस्टॉल, ठीक है, ZenMate की। तो आपके पास एक मतलब VPN भी होना चाहिए, वो भी आपने इधर ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास तो है ऑलरेडी VPN, तो मैं इंस्टॉल नहीं करता। तो ये जो मैंने आपको 5 एक्सटेंशन बताई हैं, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है, आपने इनको अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है। इन एक्सटेंशन की हेल्प से आप लीड जनरेशन का जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।